भरतपुर में गुरुवार को स्थानीय राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में चल रही जनसुनवाई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जनसुनवाई में अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर पहुंची युवती ने प्रशासन से बोल दिया कि अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मुझे जहर दे दिया जाए। जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में बरौली छार निवासी युवती ललितेश अतिक्रमण की शिकायत लेकर समस्या समाधान की मांग को लेकर पहुंची थी। जहर दे देने की बात कहने पर जिला कलेक्टर ने निर्देश पर समझाइश के लिए युवती को मथुरा गेट थाना पर ले जाया गया। पीड़ित युवती ने बताया कि वह काफ़ी समय से जमीनी विवाद से परेशान है। दबंगों ने उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही, जबकि अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी है, जिस पर हताशा में प्रशासन से बोला था कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं दिला रहे हो तो जहर दे दो। मथुरा गेट थाना पुलिस युवती को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुभाष गोयल के पास लेकर पहुंची, जिन्होंने युवती को आगे से ऐसा कुछ न करने के लिए पाबंद करते हुए घर भेज दिया। वहीं पीड़िता को समझाया कि हर समस्या का समाधान नियम कायदे से ही होता है, कई बार इसमें जांच करनी पड़ती है, लेकिन इस प्रकार बोलना सही नहीं है। कलेक्टर साहब के पास गई थी मैं, पर कल के दिन में मेरे गांव में प्रशासन गया था। परसों नाइट में रामपाल कोहली और अर्जुन कोहली ने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया और पक्का मकान बनाया। हमने उससे मना किया तो गोली मारने की धमकी दी हमारे लिए। मैंने प्रशासन को बताया तो कल प्रशासन गया, प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उसके कहने में जनसुनवाई में आई थी कलेक्टर साहब और डीसी साहब से मिलने उम्मीद लेके, लेकिन कलेक्टर साहब ने नहीं कुछ सुना। तुमने क्या कहा कर दिया? तुमने क्या कहा कलेक्टर? सर तुम नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा? इसकी बजाय हमें जहर दिला दो, हमारे अधिकारों को भी नहीं दिला रहे हो तुम, हम कैसे जिएंगे वहाँ? इतनी बात पर कलेक्टर सर ने यहाँ भेज दिया हमें। इसमें बेसिकली ये दो पक्ष हैं, इनके आपस में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और बंटवारा नहीं होने पर इन्होंने ज़मीन पर आपस में मकान बना लिए हैं और इनके विवाद चलते रहते हैं, जिसके संबंध में इनको बताया गया था पहले भी कि ये आपस में बंटवारे बिना इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर किसी ने मकान बना लिया है, अगर आपको कोई शारीरिक हानि हुई है तो आप FIR दर्ज कराएँ, उसके अतिरिक्त आपको बंटवारा कराना ही होगा। और बंटवारा आपसी सहमति से नहीं होता है तो रेवेन्यू कोर्ट में आपको आवेदन करना होता है, वो रेवेन्यू कोर्ट नहीं जा करके, और यहाँ वो उन्होंने उसको लेकर के काफ़ी इशू बनाया और आई थिंक वो संज्ञान जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसने लिया होगा। उनकी समझाइश भी की गई है कि आप को अगर परिवाद दर्ज नहीं कराएंगे या फिर मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे या फिर आप रेवेन्यू कोर्ट में केस नहीं दर्ज कराएंगे तो इसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति का अलग पक्ष होगा और उसको सुनना भी ज़रूरी होता है, और इसीलिए न्यायालय बने हैं कि जब बंटवारे का मामला हो और सहमति नहीं हो तो फिर दोनों पक्षों को सुन के बंटवारा किया जा सकता है। मुझे लगता है उनको समझाइश करके